सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लैंड के रिक्वायरमेंट कम कर दो, बाकी कोई और आएगा तो ज्यादा बढ़ा दो। अब ऐसा नहीं होता है, एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को हर व्यक्ति फॉलो करे और पॉलिसी को फॉलो करते हुए फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करे। एक व्यवस्था बनाई गई, एक यूनिफॉर्म व्यवस्था, और उस यूनिफॉर्म व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के अंदर आज कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई भी संपन्न हुई। कोविड कालखंड में तमाम चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ और अन्य तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश ने यहां पर अन्य बातों के अलावा, मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ अन्य मुद्दों की चर्चा भी कर लिए होते, समाजवादी पेंशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला प्रदेश के अंदर हो रहा था, उस घोटाले की भी चर्चा कर लेते। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम पेंशन देंगे या भारतीय जनता पार्टी पेंशन, हमने कभी नहीं किया। पार्टी के नाम पे पेंशन नहीं होती जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। और मुझे लगता आपको तो कम से कम ये देखना चाहिए कि नेताजी ने तो एक बार कहा था कि भाई अगर कार्यकर्ता देखने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को देखो। आपने यहां पे चर्चा की उस दिन के रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थाने में गए थे, लेकिन वो घटना सच नहीं थी। लेकिन हां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर एक पर्चा लहराया गया था और ये कहा जा रहा था कि जो बेसहारा गोवंश है उसके द्वारा कैसे प्रदेश में मारा जा रहा है उसका उल्लेख। महोदय वो चित्र कहां का था? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जल्ली कुट्टू एक खेल होता है और उस खेल में लोग बैलों की रेस लगाते हैं और उसके बाद उस खेलते हैं, उसी में बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जानलेवा हो जाता है। वह चित्र वहीं का है, लेकिन यहां पे लहराया गया प्रदेश को बदनाम करने के लिए। यानी राज्य का अपमान कैसा हो, इससे कभी ये चीजें मैं देख के ताजुब करता हूं किसको यहां पर कैसे वो किया जाता है। संभवतः उन्नाव की घटना हम अभी भोले नहीं होंगे, सपा नेता के प्लाट में गड़ी मिली दलित लड़की की लाश, ये सस्ता ना, उन्नाव तो ही बगल में है। और ये उन्नाव के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता के प्लॉट में उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई थी। ललितपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ एसपी नेता के द्वारा दुष्कर्म की बात सामने आने पर फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई, ये बात भी सबके सामने है। यही नहीं, और भी तमाम मेरे सामने तो बहुत बड़ी वो है, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ने लग जाऊंगा तो अनावश्यक रूप से एक वैसी स्थिति पैदा होगी, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़े बहुत हम वो कर लेंगे। यहां पर चोरी के वाहन के साथ एसपी नेता गिरफ्तार, 12 इंजन, 10 गियर बॉक्स, 2 स्कॉर्पियो, टाटा 407 समेत कई वाहन सामान बरामद। यानी ये अब ये लोग कानून व्यवस्था के बारे में हमसे प्रश्न करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या ये सच नहीं कि पिछली सरकारों के समय थाना और तहसीलें गिरवी रख दी जाती थी? एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी थाने में नहीं जाता है, किसी तहसील में नहीं जाता है, अनावश्यक सिफारिश करने नहीं जाता है। और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रांसफर पोस्टिंग में उसको सौदेबाजी नहीं करता है, उसका उद्योग नहीं बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहां कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया।
हम सच्चाई को क्यों जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन व्यक्ति सच स्वीकार कर लेगा ना, बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सच न स्वीकार करना ही मुझे लगता है कि जनता जनार्दन के द्वारा जो ये जनादेश दिया गया ना, उसी का एक परिणाम भी है। जनता जानती है कि कितना सच बोलेंगे आप लोग, इसलिए जो है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करती है, और आप लोगों को जो है बार बार उधर की व्यवस्था उधर करने का काम भी कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी महोदय? प्रदेश के अंदर अगर हम इसकी चर्चा कर ही लें, प्रदेश के अंदर कैसे यहां की व्यवस्था को कैसे बदनाम करने का काम किया गया यूपी को, और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं 2017 के पहले बदहाल थी, स्वास्थ्य की सुविधाओं को भारत सरकार लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहती थी। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पिछली सरकार ने नहीं ली, फ्री में मिल रही थी, नहीं ली। मार्च 17 में जब मुख्यमंत्री बना, मुझे पता लगा कि हमें लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल रही है, तो मैंने उस समय के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा, मैंने कहा भी क्या शर्त इसकी है? कहा कोई शर्त नहीं, केवल एक पत्र हमारा जाना है, हम उसको स्वीकार करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री गए और वे सभी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यूपी को प्राप्त हुई। हर जनपद में आज के दिन हमारे पास, बड़े जनपद में 4 से 5, छोटे जनपद में 2 से 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। उनकी कीमत को हम लोगों ने कोविड कालखंड में पहचाना है कि क्या उसकी कीमत होती है, कि उसका महत्व क्या होता है, वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर देखा। दूसरा, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है कि प्रदेश ने अपने यहां जो लक्ष्य इस दिशा में प्राप्त किया है। मैं अभी भारत सरकार के कुछ डाटा देख रहा था और मैं इस चीज को देख रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सूचकांक में एक बेहतर स्थान प्राप्त किया है, खासतौर पर एनएफएचएस के जो फोर्थ की जो तुलना में, एनएफएचएस की फिफ्थ में जो संस्थागत प्रसव की संख्या है वह 67.80% से बढ़कर के 83.4% हुई है, और यह राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय औसत में, जबकि यानी इस दौरान मात्र 9.67% की बढ़ोतरी हुई उत्तर प्रदेश में, इसमें सर्वाधिक बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। टीकाकरण में बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से पूरा किया, और उत्तर प्रदेश ने जो हमेशा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर के तमाम हमारे जनपदों पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे, उसको भी बेहतर करने का कार्य किया। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मैटरनल एनीमिया में, संस्थागत प्रसव में, शिशु मृत्यु दर में और सभी अन्य मानकों में विगत 5 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आजादी में 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में राज्य सरकार के स्तर पर मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे 70 वर्षों में, और 17 से लेकर के अब तक हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो प्रारंभ, यानी या तो कर चुके हैं या प्रारंभ कर रहे हैं, चल रहा है, इसमें कार्य चल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर एम्बुलेंस के बेड़े को बढ़ाने, उसके स्ट्रेंथनिंग करने, उसको डिसेंट्रलाइज करने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर वर्तमान में चल रही है। और इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है महोदय, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, और कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति परेशान था, नई बीमारी थी,
कोई उपचार नहीं था, क्या होना है। उस समय विपक्ष ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया था, क्या स्थिति थी। अरे कोरोना एक अदृश्य शत्रु था, होना यह चाहिए था कि हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए था। पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री यानी देश का किसी देश का कोई प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व देश को लीड कर रहा हो और फ्रंट फुट पर आकर के लोगों को नेतृत्व दे रहा हो, लेकिन विपक्ष उसमें भी राजनीति करने से नहीं चूका। आपने देखा होगा कहां थे लोग लॉकडाउन के दौरान, जरूरतमंदों को भोजन देने में किसी का पता नहीं, राजनीतिक विपक्षी दलों के नेता गायब, उनके कार्यकर्ता गायब, अकेले भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर उस समय एक अभियान छेड़ा, सेवा ही संगठन है, यानी सेवा को संगठन मान करके हम सेवा करेंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे और सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता एक एक घर में गया, एक एक व्यक्ति को सहायता देने में उसने किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक घर तक पहुंचा था। और सरकार भी उसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी। महोदय परिणाम आए, मैं कुछ डाटा दे रहा हूं और नेता प्रतिपक्ष अगर उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा कि ये चीजें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप प्रोसीडिंग का हिस्सा भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि नोट करेंगे तो एक गंभीरता बनेगी, लोगों को सुनने में अच्छा भी लगेगा। देखिए उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, आज कुल एक्टिव केस कोविड के आए हैं 127। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल रिकवरी हुई है 20,54,935 की, यानी इतने लोग ठीक होकर के कोविड से मुक्त हो चुके हैं, उनको कोरोना नहीं है।